हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाइक्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। पहला पोयम और दूसरा पोयम दोनों, पहला जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसी से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो जो कि पहला पोयम है उसको पढ़ेंगे, एकदम फील करा दूंगा यार, लाइन बाय लाइन ऐसा एक्सप्लेन करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखना, वीडियो में थोड़ा कुछ अलग किया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की धमाकेदार पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब देखो पूरा सीन कहां का है। सीन एक बहुत ठंडी जगह है और वहां पे ठंडी जगहों पे एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है कौवा और हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा है हमारा पोएट। अब उसी समय एक ऐसी घटना घटती है जिससे पोएट जो पहले दुखी रहता है वो हैप्पी हो जाता है। क्या घटना घटती है वो हम पोयम में पढ़ेंगे। पोयम ध्यान से सुनो। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and had saved some part of the day that I had rued। ये 8 लाइन की पोयम। और क्या समझना इसमें, ये ध्यान से समझना। The way a crow swooped down on me, यहां पर पोएट जैसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था तभी पोएट के ऊपर कुछ बर्फ की धूरी गिरती है जिससे उसका मूड चेंज हो जाता है। वही बताया गया है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से इस कौवे ने मेरे ऊपर कुछ बर्फ की धूरी गिराई। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, और कहां से गिराई, हेमलॉक ट्री से गिराई। तो इस चार लाइन में बस इतना है कि एक कौवे ने जिस तरीके से सुक डाउन कर दिया, गिरा दिया मेरे ऊपर कुछ बर्फ की धूरी हेमलॉक ट्री से। उसके बाद क्या हुआ, has given my heart a change of mood, मेरे हृदय को पूरा, मेरा जो मन जो पहले दुखी था वो हैप्पी हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। दिन का जो आधा समय था वो पछताते हुए बिता दिया था, अब अगला समय वो बच गया क्योंकि उसका मूड चेंज हो गया। ठीक है, अब वो कुछ पॉजिटिव करेगा उस बचे हुए समय में। लास्ट वाले लाइन में वही कहा गया है कि दैट आई हैड रियूड, वो दिन का हिस्सा बचा लिया जिस दिन मैं आधा पछताते हुए बिता चुका था, बस आधा ही दिन रह गया था। तो इस स्टोरी से हमें मोरल ये मिलता है कि हर छोटी बड़ी चीज का इस नेचर में अपना एक महत्व है। जैसे कि कौवा और हेमलॉक ट्री, कौवा तो बैड ओमेन का साइन है ही, अपशगुन का साइन है ही, लेकिन वहीं पर हमारा हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है वो भी बैड ओमेन का साइन है, लेकिन दोनों ने मिलकर कैसे पोएट के मूड को चेंज कर दिया यही इस पोएम में ब्यूटीफुली दिखाया गया था। और अब जो नेक्स्ट पोएम आने वाली है फायर एंड आइस, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द मिल जाए, वो भी बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए बनाया गया है। तो देखना नहीं भूलिएगा सेम चैनल एजुकेशनल हाइक्स, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो।